हेलो दोस्तों, माय ओन टेक गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो है बैंकिंग से रिलेटेड, और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने बंद खाते को पुनः चालू करने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों यहां पे आपका बंद खाता बंद होने का कई कारण हो सकता है, जिससे आपने बहुत दिनों से उस खाते में लेन देन नहीं किया, या फिर आप उस खाते का यूज नहीं करते थे, या फिर आप उस खाते को भूल गए थे और अब आपको काम पड़ा इसलिए आपको याद आया और अब आपका खाता बंद हो चुका है। तो ऐसे में आप उसे फिर से कैसे चालू कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पे आवेदन पत्र लिखना सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको A4 साइज का एक वाइट पेपर लेना है, और इसमें आपको सबसे ऊपर लिखना है सेवा में, इसके नीचे आपको लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक अधिकारी, इसके बाद आपको बैंक का नाम लिखना है भारतीय स्टेट बैंक, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नाम लिखना है जहाँ भी आपका बैंक है, जैसे यहाँ पे सीधी मध्य प्रदेश। इसके बाद आपको विषय लिखना है, विषय में आपको लिखना है बंद खाता पुनः चालू करने हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद आपको नीचे लिखना है मान्यवर, इसके बाद आपको थोड़ा सा जगह छोड़ के और लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना है, और इसके बाद लिखना है का अकाउंट आपकी शाखा में, खुलवाया था जो बहुत दिनों से उपयोग और लेन देन नहीं होने के कारण बंद हो गया है, जिसकी मुझे जरूरत है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से रीजन लिख सकते हैं, और इसके बाद आपको लिखना है नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ के, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा खाता संख्या, अगर आपको यहाँ पे खाता संख्या याद है तो यहाँ लिखना है, पुनः चालू करने की कृपा करें। इसके बाद आपको यहाँ पे धन्यवाद लिख देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है, साइड में आपको प्रार्थी नाम मोबाइल नंबर हस्ताक्षर, और दोस्तों इसके साथ आपको अपना डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना होगा, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, और ये एप्लीकेशन आपको देना होगा, और अगर आपको बैंक से कोई फॉर्म मिलता है तो वो भी आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट चालू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।